अब खबर जबलपुर नगर से है, जहां आपको बता दें कि नगर निगम में थूक कांड पर संग्राम होता हुआ नजर आ रहा है। निगम की बैठक में कांग्रेस पार्षद पर आरोप है। पार्षद हीरा शफीक पर थूक लगाकर पर्चे बांटने का आरोप है। सदन में बजट को लेकर हो रही थी चर्चा, बीजेपी पार्षद ने थूक लगाकर आवेदन पढ़ने पर जताई आपत्ति, सभापति ने मांगे वीडियो फुटेज। तो देखिए ये वीडियो सामने आया है जहां पर थूक लगाकर पर्चे बांटे जा रहे हैं। बीजेपी पार्षद ने थूक लगाकर आवेदन पढ़ने से आपत्ति जताई है और सभापति ने वीडियो फुटेज मांगा है। अब्दुल हमीद भाई तो देखिए कांग्रेस पार्षद पर आरोप, थूक लगाकर पर्चे बांटने को लेकर यह सवाल खड़े हुए हैं। सदन में बजट को लेकर हो रही थी चर्चा और सारथी चर्चा के दौरान बीजेपी पार्षद ने आवेदन पढ़ने पर आपत्ति जताई। बीजेपी पार्षदों का कहना था कि कांग्रेस पार्षद ने थूक लगाकर ये पर्चे बांटे हैं, जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं और साथ ही निगम की बैठक में ये पूरा थूक कांड हुआ। बीजेपी पार्षदों ने थूक लगाकर आवेदन पढ़ने पर आपत्ति जताई है। सभापति ने वीडियो फुटेज मांगा है और यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नगर निगम में थूक कांड का अब यह पूरा मामला जो है वो गर्माता नजर आ रहा है। चलिए अब आपको ये दो तस्वीरें दिखा देते हैं और वीडियो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको पहली तस्वीर में दिखेगा कांग्रेसी पार्षद का ये थूक कांड, किस तरह से कांग्रेस पार्षद जो है वो हाथ में थूक लगाकर पर्चा बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो विरोध करते हुए लोगों की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, नगर निगम में यह हंगामा होता हुआ अभी क्या तस्वीरें वहां की, क्या जानकारी फिलहाल इस पूरे थूक कांड से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए जब सदन की बजट की सदन से चर्चा चल रही थी, इसी दौरान जो है कभी जो भाजपा का दामन थामे रहे सतीशा पार्षद जो है, उन्होंने जो है अभी वो भाजपा में नहीं है, वो जब पन्ने पलट रहे थे सदन में जब चर्चा कर रहे थे तो वो अपने कुछ शिकायत पत्र लाए थे, इसके पन्ने पलट रहे थे, तो पन्नों पलटे हुए जैसा कि हम लोग अमूमन देखते हैं वो थूक लगाकर पन्ने पलट रहे थे। इसी को लेकर भाजपा पार्षद ने जो है उनके इस कर्म पे जो है वो आपत्ति दर्ज की और ये कहा कि ये सदन है और सदन में इस तरह से आप जो है पन्ने में थूक लगा लगा के पलट रहे, इसको लेकर नहीं है, वही सदन में जाएंगे सारे पार्षद आएंगे, लिहाजा वो बिल्कुल से गलत था। इस चीज को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद दूसरे पार्षदों ने भी सतीशा का विरोध किया और जब विरोध पड़ा इसके मामले पर जो है वो नगर निगम के अध्यक्ष यानी कि रिंकू विज ने जो है वो वीडियो तलब किया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले को वीडियो सामने लाया जाए और जो भी उचित कार्रवाई होगी, संवैधानिक कार्रवाई होगी, सुझावत जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में जो है वो जिन्होंने जो शफीक हीरा पार्षद है थूक लगाकर पन्ने पलट रहे, उनसे उन्होंने जवाब भी मांगा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। उसके बाद फिर अगले दिन जो है हंगामा बढ़ा, भाजपा पार्षदों ने भी सदन में जो है जय श्री राम के नारे भी लगाए, घटना के विरोध में, तो कह सकते हैं कि पूरा मामला एक राजनीतिक फूल पकड़ लिया। उन्हें इस तरह से सदन में देखा नहीं जाता है कि थूक को लेकर कहीं पर इस तरह से बवाल हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि पहला मामला है प्रदेश का और नगर निगम जबलपुर का इस तरह से किसी पार्षद के द्वारा पन्ने पलटने को लेकर, थूक का इस्तेमाल करने को लेकर सियासत जो है वो चरम पर है। अभी निगम अध्यक्ष ने जो है मोर्चा संभाल लिया, उन्होंने कुमार इंदर क्या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर अभी?
हाँ देखिए, इस पूरे सियासत में जो है कांग्रेस ने ऐसा कोई भी खास रिएक्शन नहीं लिया है, ना ही वो इस सियासत में अभी तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि सामने मैदान में आई। हाँ, निगम अध्यक्ष जरूर इस पर जो है उन्होंने फोन पकड़ा तो उन्होंने सबसे जवाब मांगा है, और उस समय भी जब हंगामा हो रहा तब भी निगम अध्यक्ष ने कहा था कि सदन की शांति बनाए रखे, बजट की चर्चा करिए, जो शांत है जो चूक से जो आरोप लगा उसके हम अलग से बात करेंगे, उसको उनसे जवाब भी मांगा जाएगा। अब देखना है कि जवाब मांगा गया है, जवाब में जो पार्षद है जिन्होंने इस तरह से जो हरकत की है उनसे क्या जवाब आता है, उनके जवाब आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी देखने वाली रहेगी, क्योंकि पूरा यह विशेषाधिकार निगम के अध्यक्ष का है, लिहाजा उसमें सदन के फैसले से बैठक होगी, सहमति बनेगी, उसके बाद फिर आगे की चर्चा की जाएगी, कार्रवाई क्या होती है। सियासत तो खूब हो गई लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये भी देखना होगा। लेकिन यदि दूसरी ओर हम माने तो कहीं ना कहीं स्टंट भी इसे हम कह सकते हैं कि शहर में जल प्लावन की स्थिति बन रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कचरा नहीं उठ रहा 15-15 दिनों से लोगों का, वो हड़ताल पर है, निगम कर्मचारी की सैलरी नहीं मिल रही, ठेका कर्मचारी बार बार हड़ताल कर रहे हैं, ये मुद्दों पर ना उत्तर हमें दिख रहे हैं कि बजट से चर्चा हो रही है, खूब कांड की सियासत हो रही है, जयश्रीम किनारे लग रहे हैं, होना ये थी कि सदन जिस चीज के लिए आहूत किया गया है, जनता की कितनी गाड़ी कमाई से सदन चलता है उसमें जनता की बातों की मुद्दा ना होकर हम ये देख रहे हैं कभी फूक पर कहीं जय श्री राम पर इस तरह किनारों को लेकर जो है वो सदन का कह सकते हैं कि समय जाया हो रहा है। उस चीज को लेकर सदन के अध्यक्ष रीटू बीच ने भी चिंता जाहिर की थी, उन्होंने खुद कहा था अपने भाषण में सभी पार्षदों को कि ये निगम जो है जनता के पैसे से चलता है, लिहाजा इस बात का ध्यान रखा जाए, इसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन उसके आह्वान के बाद भी इस तरह की सियासत जो है वो नगर निगम में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल कुमार इंदर, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जनता के मुद्दों को तो अनदेखा किया जा रहा है और सदन की कार्रवाई भी यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, पैसों की बर्बादी भी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला किस मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है? हाँ निश्चित तौर पे क्योंकि शिपक जो है एक विशेष समुदाय से आते हैं, लिहाजा मुझे लगता है कि बीजेपी के पार्षद जो है इस मामले को खेलना चाहते हैं या कह सकते हैं इसे सनासत करना चाहते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि सदन में इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। अब देखना यह हुआ कि उनकी मंशा क्या थी, क्या उन्होंने जानबूझकर इस तरह से पन्ने फूंक रहा है कि अमूमन हमने बात की, हमने देखा, हम सब देखते हैं कि लोग जनरली नोट को भी इस तरह से कभी कभी गिन लेते हैं, तो क्या ये एक मानवीय चूक थी या जानबूझ के इस तरह से किया गया था? जी, और देखिए इससे पहले एक समय हुआ करता था जब इसी तरह लोग किसी भी कागज को पलटने का या इस तरह की चीजों का जो है वो करते थे, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, या तो पहले से ही इस तरह के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि कोई भी थूक लगाकर किसी भी पन्ने को नहीं पलटेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कई सवालों के घेरों में अब यह मामला आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार इंदर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और नगर निगम अध्यक्ष रिंकू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस पूरे कांड को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस निगम में जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उस निगम पर का रुख जो है वो किसी और जाता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से मानी जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मेरी वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल रिंकू जी, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। जी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, ये घटनाक्रम 10 तारीख का है जब ये इंसिडेंट हुआ था कि एक पार्षद के द्वारा जिनका नाम हीरा शफीक है उनके द्वारा थूक लगाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स माननीय महापौर जी को दिए थे, जिसका विषय हमारे साथी पार्षद जीतू कटारे ने उठाया था। फिर उस समय नेता प्रतिपक्ष एवं जीतू कटारे ने मांग की थी कि इसके फुटेज निकाले जाए, तो उसके फुटेज निकाले गए थे और फुटेज में ये आया था कि ऐसा मतलब साफ दिख रहा है उसमें कि सम्मानीय साथी पार्षद हीरा शफीक ने एक पेपर मुझे दिया, एक पेपर आयुक्त महोदय को दिया, और एक पेपर जब आयुक्त महोदय को देने के बाद माननीय महापौर जी को देने गए तो उस समय रास्ते में उन्होंने उस पर थूक लगाया। जी तो ये आज सुबह से कल सुबह जब सदन प्रारंभ हुई बजट की चर्चा होनी थी, हमारे सत्ता पक्ष के सम्मानित साथी लगातार प्रयास कर रहे थे कि इस विषय पर चर्चा हो, पर हमने और माननीय महापौर जी ने मिलकर तय किया कि हम नगर विकास के संबंध में चर्चा करेंगे,
सभी सामान्य पार्षदों के सुझाव लेंगे और समग्र विकास के तरफ हम अपनी संस्कार वाणी को आगे लेके जाएंगे। परंतु कोइंसिडेंस यह हुआ कि कांग्रेस के तरफ से ही जब माननीय राज्यसभा सदस्य आदरणीय विवेक तनखा जी के प्रतिनिधि ताहिर भाई के द्वारा इस विषय को उठाया गया और ज्वलंत तरीके से उठाया गया, उस समय फिर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के समर्थियों के द्वारा एकदम से और सम्मानित रूप दिखाए गए। बात इतनी सी थी, हमने उनसे बोला कि आप इसे खेल। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू विज जी आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए।